देर रात तहसील थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना की एक वारदात सामने आ रही है, जहां अपने फुफेरे भाई के साथ टहलने निकले व्यक्ति को तेज रफ्तार से आ रही कार ने उड़ा दिया। घायल को इलाज के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते परिजनों ने उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल व्यक्ति का नाम फयाज कुरैशी है, जो कि मोमिनपुरा का निवासी है। जानकारी के अनुसार करीब 4 दिन पहले रात करीब 12:55 पर फयाज अपने फुफेरे भाई कसाबपुरा निवासी मोहम्मद जावेद मोहम्मद शमीम इकबाल के साथ सीए रोड पर हंसापुरी परिसर में टहलने निकला था। दोनों अग्रसेन चौक के पास मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजर रहे थे कि पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने फयाज को जोरदार टक्कर मार दी। वह कार के बोनेट पर ही पड़ा रहा और कुछ दूर जाने के बाद गिर गया। टक्कर के बाद कार चालक तेजी से भाग निकला, लेकिन फयाज का पैर और कंधा टूट गया। उसके सिर और कान से खून बहने लगा। शमीम उसे अचेत अवस्था में ही पास के मेयो अस्पताल ले गया। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने फयाज के सिर में गंभीर चोटें बताई। ऐसे में तुरंत फयाज को धंतोली स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उधर शमीम की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। घायल फयाज के परिजनों ने पूरी घटना पर संदेह जताते हुए इसे जानबूझकर अंजाम दी गई वारदात बताया है। मोहम्मद जावेद हा फिर्यादी आहे गुन्ह्यातला। मोहम्मद जावेद आणि फय्याज कुरेशी असे एक रात्री 1 वाजताच्या दरम्यान पायी जात होते सी ए रोडने। मागून एक भरधाव स्विफ्ट डिझायर आली आणि फय्याज कुरेशी याला पायाला धडक दिली, तो बोनेटवर पडला आणि मग ती कार भरधाव वेगाने निघून गेली आणि फय्याज कुरेशी यांना मार लागल्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं। यामध्ये आता साक्षीदार CCTV फुटेज आणि इतर सगळा तपास सुरू आहे आणि लवकरच याबाबत पुढील तपास करून आरोपी निष्पन्न करून अटक करण्याची कारवाई करणार। यामध्ये ॲक्सिडेंटची केस 2793373738 IPC दाखल केलेला आहे आणि जे जखमी आहे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे, त्यांची हालत सध्या गंभीर असल्याची माहिती। जानकारी के अनुसार फयाज के पिता मोमिनपुरा में होटल चलाते हैं और फयाज होटल संभालने के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग आदि का भी काम करता है। उधर फयाज के परिजनों ने कहा कि उन्हें दुर्घटना स्थल से कुछ प्राइवेट CCTV कैमरे रिकॉर्डिंग भी मिली है। रिकॉर्डिंग में शमीम और फयाज दोनों ने फुटपाथ से लगी सड़क पर चल रहे थे, वे कहीं से भी मेन रोड पर नहीं जा रहे थे। ऐसे में परिजनों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि जानबूझकर तेज रफ्तार कार चालक ने फयाज को टक्कर मारी। इसी के साथ ही परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। वहीं मामले में जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसे पहचानने से हादसे के चश्मदीद गवाह ने इनकार कर दिया। वहीं घटना को 4 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, पर पुलिस को अब तक कोई भी कार का नंबर नहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि किसी न किसी चौराहे के CCTV कैमरे में कार का नंबर जरूर दिख रहा होगा। यदि पुलिस तेज रफ्तारी करे तो आरोपी की तलाश की जा सकती है। इस मामले पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मेरा भाई है। उसका मामला तो अभी जो है वो क्रिटिकल है, कोमा में पड़ा हुआ है। पुलिस से हमारा जिस दिन से एक्सीडेंट है उस दिन से चालू है, लेकिन पुलिस ने आज कार्रवाई की है, आज आरोपी को पकड़ के लाई है। पहले जो आरोपी लाई थी उसने वो गलत था, फिर हमने बताया कि ये नहीं है, तो फिर उसने ओरिजिनल आरोपी को पकड़ के लाई है। एक्चुअल घटना ये है कि सडनली आके मारा, जैसे किसी से जाति दुश्मनी वगैरह होंगी इस टाइप से उसने किया है, ये मर्डर है। घटना हम पैदल जा रहे थे सीए रोड से और कॉर्नर से जा रहे थे, पूरा सीए रोड खाली था, एक टू व्हीलर नहीं थी, एक जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो अपने साइड छोड़ के आके हमको मारा, लेफ्ट साइड में आके और मार के निकल गया। ये फयाज मेरा भाई है जो इसके होटल फरीन है और छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करता है। हाँ 100% ड्रिंक करके भी था और साजिश है कोई, ये अपने को तो निष्पक्ष जांच कराना है और जो आरोपी है उसको सजा होना चाहिए। ये 22 तारीख को रात में 12:55 का केस है। 23 लग गई थी। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।